जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए साथियों आज के इस वीडियो में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे, जिसमें सभी विषयों के प्रश्न हैं। जिस तरह से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जीके जीएस मैथ्स इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। चलिए आप सभी पहले प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है पर्यटन। वैश्वीकरण से बिहार के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, जे बी सी ने बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हेयर। तो इसका अर्थ क्या होगा, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हेयर। तो याद रखिएगा, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है परखनली शिशु। परखनली शिशु से संबंधित है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। चलिए पांच के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, चोकीला आयर। ध्यान रखेंगे, मेनका गांधी की बात करें तो लोकसभा की सांसद है, और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी। तो याद रखिएगा, अन्ना जॉर्ज, यहाँ पे लिख देते हैं अन्ना जॉर्ज, ये कौन थी, भारत की प्रथम महिला IAS। और भारत की प्रथम महिला IPS पूछे तो आप सभी जानते हैं किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा जाता है जो कि अन्ना चांडी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे तो फातिमा बीबी। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, रोमिला थापर, डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अरुंधति राय की पुस्तक याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, पूछा जाता है किसकी पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो अरुंधति राय की पुस्तक है। विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार कब लागू हुआ। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, देखिए विश्व व्यापार संगठन जिसको शॉर्ट में WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्थान पर पहले क्या था, GATT, GATT, और GATT से WTO कब बना, यानी WTO की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है अप्रैल 1999 से। चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन, आई शैल हैव
कम बिफोर द सनसेट। तो आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, इसका मीनिंग क्या होगा, सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए साथियों आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए। और साथियों अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, इसलिए आप सभी ईमानदारी पूर्वक सेशन को अटेंड करें, और हो सकता है तो 8:30 बजे की जो क्लास है उसको 2-3 दिन के लिए बंद रख सकते हैं, और अगर मुझे थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो वो क्लास भी आपका डेली चलेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 में। आगे देखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या हो, तो आइए सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं, भारत का नागरिक हो बिल्कुल सही है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ये भी सही है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ये भी सही है, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, यानी कि यहाँ पर सही जवाब है वो प्रयुक्त सभी। चलिए आगे देखिए, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और प्यारे साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर देंगे। तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राज्यपाल। देखिए राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, और अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। तो पूछ सकता है आर्टिकल कि राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। जिला परिषद का सचिव कौन होता है, चलिए 12 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जिला परिषद का सचिव कौन होता है, तो याद रखिएगा जिला विकास पदाधिकारी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, चौखट में नई अंतता किनकी कविता से उद्धृत है, तो चौखट में नई अंतता अनामिका जी की रचना है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अनामिका। तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है, चलिए आंसर बताएंगे, हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, याद कर लीजिए इम्पोर्टेंट है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, तो प्यारे साथियों नीति निपुण शब्द में तत्पुरुष समास है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है तत्पुरुष समास। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा भुवन, भुवन जो है ये घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, भुवन का अर्थ यहाँ पर होता है संसार। आगे देखिए, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है, किसके अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बर्नौली का प्रमेय
निम्न में से किस पर लागू होती है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, आज प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाएगा, तो बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होता है? तो सही जवाब है द्रवों के प्रभाव पर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है द्रवों के प्रभाव पर। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो इनमें उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा? तो देखिए, दर्पण है समतल और किरण जो है अभिलंबवत आपतित होती है, तो इसमें जो विचलन मान होगा ये शून्य होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है शून्य। प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है? तो प्रकाश की चाल का आपको सूत्र बताना है क्या होगा आवृत्ति से रिलेटेड। तो प्रकाश की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चाल बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, ध्यान रखेंगे। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? तो साथियों, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, याद रखिएगा, विवर्तन तथा गुणवत्ता के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, विवर्तन किसे कहते हैं? तो ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारे से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो याद रखिएगा, ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है, किस क्रम में लगाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सही जवाब है यहाँ पे सी ऑप्शन, याद रखिएगा। अस्थाई चुंबक बनाए जा सकते हैं, चलिए तो इसके लिए आंसर कीजिए फटाफट से। अस्थाई चुंबक बनाए जा सकते हैं किससे? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अस्थाई चुंबक जो है कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। यहाँ पर सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन कोबाल्ट, ध्यान रखेंगे। और कोबाल्ट की बात करें तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, ध्यान रखेंगे। कैसा है? लौह चुंबकीय पदार्थ। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए ये नहीं होगा, पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में ये इसका आंसर है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन सही जवाब है, दिष्ट धारा नहीं होगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन आपका। साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है एक बटे दो, टेन 45 का होता है एक, कॉस 60 का होता है एक बटे दो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक बटे दो और एक बटे दो को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक। यहाँ पे देखिए, जोड़ना नहीं है, माइनस करना है, तो ये कट जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन एक। निम्न द्विघात समीकरणों में से किसके वास्तविक मूल है? देखिए, वास्तविक मूल कब होता है? जब डी का मान जीरो होता है या डी का मान जीरो से बड़ा होता है। आप लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यहाँ पे बी कौन सा है, ए कौन सा है और सी कौन सा है? तो जैसे कि ऑप्शन ए की बात करें, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे ए का मान तीन हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोला जाता है और अचर पद को सी। तो यहाँ पे देखिए, बी का मान कितना है? माइनस पाँच, तो माइनस पाँच का यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा पच्चीस, माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर फोर ए सी, फोर ए का मान देखिए तीन, सी का मान दो, तो ये हो जाएगा 25
माइनस चार बारह चौबीस यानी कि एक। तो देख सकते हैं डी का मान क्या है, एक, यानी कि जीरो से बड़ा है। तो इसका वास्तविक मूल है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप इन सभी को चेक कर सकते हैं, ये डी का मान एक के बराबर या जीरो से छोटा आएगा यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये सभी नहीं होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें डी का मान जीरो से छोटा ही आएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे कि एक्स प्लस वाई पे पावर दो है, तो इसको दो बार लिख दीजिए इस तरह से, एक्स प्लस वाई और फिर से एक्स प्लस वाई, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाई। अब ध्यान से देखिए, एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट ये है, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में देख सकते हैं x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई है, तो इस तरह से कॉमन ले लीजिए x प्लस वाई। तो इस पार्ट से जब x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बच जाएगा, क्योंकि दो x प्लस वाई है, तो एक तो कॉमन आ गया, चलिए बीच में प्लस है प्लस देते हैं। अब इस पार्ट से x प्लस वाई कॉमन आ गया तो क्या बचा, x माइनस वाई, तो ये आपका आंसर आ गया, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो y से y कैंसिल, तो x प्लस एक्स टू एक्स, तो देखिए किस ऑप्शन में है, 2x और ब्रैकेट में x प्लस वाई फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो प्यारे साथियों हड़प्पा सभ्यता जो है ये किससे संबंधित है, यहाँ पर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये कांस्य युग से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, तो प्यारे साथियों जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, बहुत ही सिंपल है, ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड यानी कि बैल। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, तो साथियों ये कहां पर स्थित है, इसका सही जवाब है याद रखिएगा बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। और बिहार के राजगीर में क्या है, विश्व शांति स्तूप पूछा जाता है। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में है, इन सभी को ध्यान रखें। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, तो यहाँ पर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, और जन्म कब हुआ था, तो 590 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म होता है और मृत्यु 647 ईस्वी में। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, चलिए 32 के लिए आंसर बताइए फटाफट से आप सभी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अलबरूनी, बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी जो है 11वीं सदी में भारत आया था, और इनकी एक पुस्तक क्या है, तो किताब उल हिंद, याद रखिएगा अलबरूनी की एक पुस्तक है किताब उल हिंद, और इस किताब को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, तो प्यारे साथियों प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है संगठन। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था,
तो बहुत ही सिंपल है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तुर्की भाषा में। तुजू के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका नाम पड़ा बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है ये फारसी भाषा में है, जबकि तुजू के बाबरी ये तुर्की भाषा में है। और बाबरनामा जो है ये फारसी भाषा में किसने लिखा, तो याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? चलिए 35 के लिए आंसर बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। तो यहाँ पर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो साथियों यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज यूले। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो जॉर्ज यूले। ए ओ ह्यूम की बात करें तो ये याद रखिएगा 1885 में इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये उड़ीसा के कटक में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है, तो याद रखिएगा फिलीपींस के मनीला में है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है, तो सही जवाब है मुंबई। वायुमंडल में ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। तो साथियों यहाँ पर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बना है। देखिए ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना है ओजोन परत। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, याद रखिएगा ये एक प्रकार का क्या है, प्रतिजैविक है, ध्यान रखेंगे। बाकी 2,4-D की बात करें तो यह क्या है, यह एक खरपतवार नाशी है। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यहाँ पर 41 का आंसर क्या होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कब? 1905 में। और 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है। और 1904 में क्या होता है, तो अभिनव भारत की स्थापना। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? चलिए ये बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साथियों कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसे मानसूनी वन भी बोला जाता है। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए 44 के लिए आंसर बताइए, कच्चे आम में कौन सा आम अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टार्ट्रिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल संतरा नींबू में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो प्यारे साथियों, गैर संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसके गठन के बारे में आर्टिकल 263 में बताया गया है। और निर्वाचन आयोग की बात करें तो 324 से लेकर 329 तक में है, और वित्त आयोग 280 में है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख नहीं मिलता है संविधान में, इसीलिए ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो साथियों, इसे बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबल पुरस्कार भी जीता? तो यहाँ पर 47 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो याद रखिएगा, लुइस अल्वारेज, इन्होंने ही इरिडियम परत की खोज की। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है कौन सा, अनुच्छेद 246 ए। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश पूछे तो फ्रांस है। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश में चुना है? ने भारत में जो जीएसटी का दोहरा मॉडल है इसको किस देश से चुना गया है ये बताना है। तो ये लिया गया है कनाडा देश के संविधान से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कनाडा देश। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो याद रखिएगा, रतौंधी जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको बताना है जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।